समस्या ही समस्या है, नल जल में समस्या की क्या कमी है। जी जब से टंकी लगा उसके बाद से ना नल आया ना जल आया, दो बार नल लगा, दोनों बार नल लेके पता नहीं कौन प्रतिनिधि लोग चला गया। ना आपका कहीं पे यहाँ पर सोलर लाइट नजर आ रहा है, ना कहीं पे सड़क नजर आ रहा है, ना कभी आपका प्रणाली नजर आ रहा है, तो आप किस काम के मुखिया हैं जो हम एक साल में हमारे गांव में एक ईंट तक नहीं रखा पाए। तो आप और एक मुखिया जी हो गए हैं राम जी के हनुमान जी जैसा। अच्छा, हनुमान जी को लोग कहता है कि धरती पे हैं, और इनको सब कोई इनका तारीफ करता है, लगता है कि हनुमान जी की तरह तारीफ हो रहा है, लेकिन इन नजरे नहीं आ रहे हैं। ना तो अरे तो कैसे हनुमान जी हैं भाई, ये तो हम लोग भी इनका गदा देखना चाहते हैं कि प्रचंड गदा इनका है कहाँ, लेकिन आज तक इनका गदे नहीं निकला। ये तो हमको लगता है कि कुंभकर्ण निकल गए, ये गलती से रावण के भाई निकल गए। बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण लौरिया प्रखंड साठी थाना धोबनी धर्मपुर पंचायत धर्मपुर गांव वार्ड नंबर 3 में अभी हम मौजूद हैं। यहां के ग्रामीणों के अनुसार यहां नल जल में बहुत ज़्यादा समस्या है, इसके बारे में आइए हम यहां के ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास करें। नाम क्या है? मेरा नाम लाल मोहम्मद अंसारी है, 3 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? मेरे समस्या है कि नल जल बना जी, और आज तक उसमें से पानी नहीं निकला। बहुत से ऐसे नल जल का है कि ठूठी खुल गया जी, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और मेरे ही 3 नंबर वार्ड में जी, ये पेपर ब्लॉक का रोड बना जी, जो बनने के कुछ ही माह धस गया, आज तक फिर नहीं सुधार हुआ। अच्छा, ये नल जल का काम कब माने कब खत्म हुआ है? कई साल पहले? दो साल पहले। 2 साल के अंदर में अभी उस नल में कहीं पानी नहीं आया। अच्छा, छठू सा जी वार्ड भूतपुर। अच्छा, छठू सा ही वार्ड सदस्य थे। अच्छा, वही बनवाए उसके समय से अभी तक नहीं आया। आपके गांव में नल जल का क्या समस्या है, बता सकते हैं? समस्या ही समस्या है, नल जल में समस्या की क्या कमी है जी। जब से टंकी लगा उसके बाद से ना नल आया ना जल आया, दो बार नल लगा, दोनों बार नल लेके पता नहीं कौन प्रतिनिधि लोग चला गया जी, कोई जानकारी नहीं है। शुरू से पानी नहीं निकला है। आइए आपको दिखाते हैं। तो कहाँ लगा है? दो बार नल लगा। ये नल का थी ये है। स्पॉट है आपका जी, यही लगा हुआ था पाइप। हाँ, अच्छा, दो बार नल लगा जी, और जल तो खैर सोचना नहीं है, जल तो आया ही नहीं जी, और नल भी दो बार गायब। इसके बारे में आप मुखिया जी से इस पंचायत के शिकायत दर्ज किए हैं? नहीं, अभी मुखिया जी से। तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा है मुखिया जी के कान में? 2 साल नहीं, तकरीबन 3-4। क्या इसको जानकारी नहीं है? जानकारी तो होगा, हमारे जन प्रतिनिधि को जानकारी नहीं है कि यहाँ ना जल आता है ना नल है। अच्छा, इसको जानकारी नहीं है? मुखिया जी को जानकारी नहीं है? जो वार्ड मुखिया थे उनको भी जानकारी है, जो वर्तमान है उनको भी जानकारी है, जो पुराना मुखिया है उनको भी जानकारी है, उनको जानकारी है। अभी वर्तमान में वार्ड है, उनके भी घर तो नल लगा है, वो भी बता सकते हैं कि मेरे घर पानी आता है। कहाँ नल जल लगा था, थोड़ा सा हमको दिखाइए। चलिए मेरे साथ आइए। आइए जी, 3 और 4 नंबर में दोनों में समस्या है नल जल का, दोनों में पानी आ रहा है। जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक पानी नहीं आया। अब हम उस जगह चल रहे हैं जहाँ नल जल का पाइप लगा हुआ है, यहाँ से भी उसका नामो निशान खत्म हो चुका है। आइए अब दूसरे जगह आइए। एक नल जल मिला है जो उसका सिरखार एकदम कंप्लीट है, मगर यहाँ अभी तक पानी नहीं आया। ये किनका दरवाजा है भाई? लाल बाबू खरवार जी है। ये है, ये कितना साल हो गया इसको लगभग लगे हुए? 2-3 साल में अभी कभी पानी आया है कि नहीं? एक बूंद पानी नहीं आया है। 3 साल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा दूसरे जगह हम चल रहे हैं। लगा है जिसमें आज तक अभी इसमें पानी का नामो निशान नहीं है। ये किनका मकान है भाई? नाम जी है भोगन का, वो है यहाँ घर पर ना। ठीक है, चलिए। जल नल के काम लेकिन सिर्फ पाइप लगा हुआ है। ये किनका मकान हुआ? चुमन भैया का, चुमन जी का मकान है। यहाँ भी सरकार खत्म है, सिर्फ पाइप लगा हुआ है। दो लगा हुआ है, मगर दोनों का स्थिति वही है कि यहाँ लग चुका है 3 साल पहले, मगर पानी नहीं निकल रहा है। छुट्टी देखिए, ये कई साल हुआ? 3 साल। 3 साल, 3 साल के अंदर में अभी पानी नहीं आया जी। ठीक, बना है पेपर ब्लॉक रोड। हाँ,
और जो धस गया है जी, वो आज तक अभी वार्ड से हम तीन तीन बार बोले साहब से जी, अभी तक रिपेयरिंग नहीं आ गया। ये कई साल पहले बना है? दो तीन साल पहले बना है और ये भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया, कोई इसका खोजने वाला भी नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ भी नल लगा हुआ है, पानी नहीं आता है। हाँ, आइए आइए इधर, यहाँ भी एक नल दिखाई दे रहा है और यहाँ से घर वाले से पूछते हैं। देखिए पानी यहाँ आज तक भी इसमें पानी नहीं गिरा। हाँ, देख रहे हैं ये भी तीन साल हो गया लगभग। हाँ सब एक ही बार काम हुआ है जी, अभी तक पानी नहीं आया। क्या पानी आया है जी? आइए इधर आइए, ए बचाए, हटो हटो आगे से हटो। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? उमाशंकर जी। ये नल जल कब फाइनल हुआ? लगभग लगभग हो गया दो साल, लगभग तीन साल। तो दो तीन साल, तीन साल, दो तीन साल में जब भी मैंने फाइनल हुआ तब से पानी आया ही नहीं, एक बूंद नहीं, एक बूंद नहीं आया। ठीक है, ओके। ये भी तीन साल पहले लगा है? हाँ, तीन साल पहले लगा, आज तक अभी पानी कुछ नहीं आया, पानी का बूंद भी नहीं गिरा। कंप्लेन वगैरह किया है मुखिया के पास? के पास हमने कई कई बार बोला था, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। तीन साल से अभी आइए रहा है? हाँ, आइए तीन रहा साल से अभी बनिए रहा, बनिए रहा है। रिपेयरिंग के लिए लिए पैसा नहीं आता है, अब हमको क्या मालूम। अच्छा ठीक है, ओके। ये इसका भी वही हाल है, घर घर का वही हाल है। यहाँ भी एक नल जल लग रहा है, ये भी लगभग तीन साल पहले का है और यहाँ का ठोटी उठी सब खत्म हो गया, अभी तक यहाँ पानी नहीं आया है। वो आपका है? ना, ना मेरा तो नहीं है। अच्छा, इनका है। हाँ, ना हमारा ना है, इनका हो रहा है। इन्हीं के घर के पास है, इन्हीं के घर के पास है। अच्छा, इसमें पानी अभी तक? अभी तक कहाँ पानी आ रहा है, दो तीन साल हो गया। अभी तक मुखिया जी के पास कंप्लेन आप लोग किए हैं? कंप्लेन होता है तो क्या कहते हैं? क्या वही ना, कुछ नहीं। और नल जल का स्थिति वो पूरे वार्ड जी, चार नंबर और तीन नंबर एक बूंद आज तक पानी नहीं आया। तो कहाँ कहाँ किसके किसके घर जाकर दिखाया जाए। अच्छा अच्छा, हर का ये बात है। आ? जब हर जगह का स्थिति यही नहीं है, तो पांच सात आदमी देख लिया, अब कहाँ कहाँ दिन भर आदमी यही नहीं ना, दिन भर नहीं, हफ्ता भर लगा है, वहाँ का यही स्थिति है जो अभी देखने में आ रहा है। जाकर टंकी भी चेक कीजिए कि टंकी भी चालू नहीं होता है। टंकी किधर पड़ेगा? टंकी पड़ेगा गाँव से दक्षिण। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा मुखिया जी से मेरा आग्रह है कि आप लोगों के माध्यम से कि मुखिया जी यहाँ पर आए, यहाँ पे एक ग्राम सभा करें, ग्राम जरूरी है, और वार्ड लोगों के काम में अड़चन न डालें, वार्ड लोगों के थ्रू काम करवाएं। मुखिया जी पूरे पंचायत को जानते हैं लेकिन वार्ड को कम जानते हैं। पूरे पंचायत में सबसे ज्यादा तीन नंबर और चार नंबर वार्ड से, यानी कि धर्मपुर गांव से उनको वोट मिला है। वोट प्रतिशत 750 में 550 वोट यहाँ से मिला है उनको, और यहाँ पर सलाम नमस्ते दुआ करना भी छोड़ दिए हैं। काम करवाने तो एक दूसरे पंचायत में जाते हैं, यहाँ के वार्ड अगर गांव वाले अगर अपना कोई भी समस्या लेकर के जाते हैं वार्ड के पास कि जाइए, तो उसको शायद मुखिया जी मेरे ख्याल से रिजेक्ट करते हैं। और वार्ड वाले क्या करेंगे, अपने टोला मोहल्ला में तो झगड़ा लड़ाई करेंगे नहीं, तो सब मिल करके ये वार्ड जो भी हैं, मुखिया है, जिला परिषद है, ये लोग अपना जो भी है लोग, इन लोगों में सात आठ जो पंक्ति बना हुआ है, ये लोग मिल करके इसका निदान निकालें। और मुखिया जी इसमें मुख्य होते हैं, इसीलिए उनको मुखिया जी बोला जाता है। अब मुखिया जी अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद हम लोग मीडिया के माध्यम से ही मुखिया जी पर कार्रवाई करेंगे और प्रशासनिक तरीका से हम लोग जाएंगे। और मुखिया जी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सड़क पे पानी बह रहा है, नाली का ध्यान नहीं है आपको, ना नाली के लिए कभी सर्वे करवाने आए, ना कभी उसका जाँच करवाने आए, ना कभी पूछने आए, ना कभी देखने आए। सड़क बनवाने के लिए PWD आ रहा है तो कभी सांसद फंड से आ रहा है। तो इस गांव के लोग इस तरीके से व्यवस्था करके इस गांव को सुदृढ़ बनाए हुए हैं। ना आपका कहीं पे यहाँ पर सोलर लाइट नजर आ रहा है, ना कहीं पे सड़क नजर आ रहा है, ना कभी आपका पर नाली नजर आ रहा है। तो आप किस काम के मुखिया हैं जो हम एक साल में हमारे गाँव में एक ईंट तक नहीं रखा पाए? तो आप और एक नाली लेके गए हुए हैं, अगर वो बोलेंगे कि हम नाली बनवा रहे हैं तो सेमरी पंचायत में लेके चले गए हैं भैया, हमारे पंचायत सेमरी पंचायत में ले जा करके, और उधर घूस खिला रहे हैं कि क्या खिला रहे हैं कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। किसी के जमीन में घुसाइएगा तो वैसा ही होगा ना, धरातल पर उतर करके आइए बात कीजिए, ऊपर से बैठ करके बात करने से नहीं होता है। जमीनी अगर स्तर पे आकर के बात कीजिएगा, आप किसी के भी जमीन की तरफ से जाइएगा तो वो उसको कुछ लालचवश काम करवाएगा। तो मुखिया जी लालचवश पर जा रहे हैं और किसी और पंचायत में काम करवा रहे हैं। आपका कहना एकदम सही है, कहने का मतलब है कि कोई भी प्रतिनिधि हो
अगर इलेक्शन के पहले एक गांव में दो बार तीन बार लोग जाता है और जीत जाने के बाद कम से कम उन लोगों को छह लोकल है तो कम से कम एक महीना दो महीना पर गांव का स्थिति जानना चाहिए, गांव में आम सभा कराना चाहिए, लोगों को समस्या देखना चाहिए और समस्या को निदान करना चाहिए। अरे एकदम सही बात, तो मुखिया जी हो गए हैं राम जी के हनुमान जी जैसा। अच्छा, हनुमान जी को लोग कहता है कि धरती पे हैं, और इनको सब कोई इनका तारीफ करता है, लगता है कि हनुमान जी की तरह तारीफ हो रहा है, लेकिन इतना नजरे नहीं आ रहे हैं। अरे तो कैसे हनुमान जी हैं भाई, ये तो हम लोग भी इनका गदा देखना चाहते हैं कि प्रचंड गदा इनका है कहाँ, लेकिन आज तक इनका गदे नहीं निकला। ये तो हमको लगता है कि कुंभकर्ण निकल गए, ये गलती से रावण के भाई निकल गए, और राम के भक्त बताने वाले को मेरा आग्रह है कि इसके बाद से 550 कौनसी उनको 800 दीजिएगा ना, और उनका चरण धोइएगा, तब भी हमको नहीं लगता है कि पंचायत का विकास इनसे होने जा रहा है। देखिए प्रतिनिधि लोग, आप लोग थोड़ा ये सब गांव की समस्या पर ध्यान दे, ताकि गांव लोग परेशान नजर आ रहे हैं, परेशान नहीं आए। आप यहाँ से जाइएगा तो एक सड़क है, उनसे पहली बार बोला गया था कि यहाँ से एक सड़क है रोजा टोला तक, कम से कम उसमें पानी लग जाता है बरसात के दिनों में, आप एक बार आकर के देखिएगा, उधर का लोग इधर नहीं आता है, इधर का लोग उधर नहीं जाता है। उस कीचड़ कंकड़ पर मिट्टी हम लोग डलवाए हैं, आम आदमी डलवाया, दूसरे प्रत्याशी से कहकर जैसे आदमी को हुआ वैसे आदमी मैनेज करवाया, ताकि सूखा सूखी लोग जाए, और यहाँ पर मुखिया जी का ध्यान नहीं है, लेकर के जाएंगे कहीं और रोड बनाने के लिए, कहीं और बनाने के लिए, जहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, खेत में जाएंगे सड़क बनाने, जहाँ पे बसिंदा एरिया है लोगों का, जहाँ पे जमावड़ा है, आप उस तरफ कोई विकास ही नहीं करेंगे, तो ये क्या मुखिया है, क्या विकास कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तकलीफ इतना ही है कि आप मूलभूत चीजों को सबसे पहले दीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि फ्री में मेरे घर का राशन दीजिए, कपड़ा दीजिए, कुछ मत दीजिए, बिजली हुआ, पानी हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, मूलभूत चीज होता है, आपके अंडर में जो भी चीज आता है मनरेगा के तहत बहुत चीज आता है, लेकिन हम उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं, मूलभूत चीज आप यहाँ पर ला करके दीजिए, बस एक नाली बनवाइए यहाँ पर, यहाँ पे नाली का इंतजाम कीजिए, गली वली जो भी है वो बढ़िया कीजिए, जलनल है उसको सुदृढ़ कीजिए, जलनल लगा हुआ है लेकिन पानी प्राप्ति नहीं है, और जो सड़क है वो यहाँ से अगर अपना कैमरा घुमाइएगा तो नजर आ जाएगा कि वहाँ पे मजबूरी बस ये सड़क के कॉर्नर से करीब आइएगा, किधर है वो रोड, यही ना है, आइए थोड़ा वो भी दिखा दीजिए, यहाँ पर नाली के देखिए, नाली की व्यवस्था और, और, और आप ये देखते चलिए, यहाँ से सड़क जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ से कोई ज्यादा दूरी नहीं है, बताइए, देखिए पानी बह रहा है, नाली पानी बह रहा है, नाली का, नाली का मान लीजिए कि नाली बन जाएगा तो सुविधा किसको होगा, हमारे पास 10 फीट जगह है तो हम पानी गिरा लेंगे, जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा, नहीं कहाँ जाएगा पानी, ये सड़क है, सड़क देखिए, सड़क ऐसे सड़क रहता है, सात नीचे में यही सड़क है, ना ये तो 100 फीट इधर का गली है, ये भी सड़क में वहाँ तक, वहाँ तक का लोग इच्छुक है, लेकिन इन, 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 इनको नजर नहीं आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा है कि उस मकान तक सड़क देने के लिए अपना पर्सनल जमीन में जो लोग इच्छुक है, यहाँ पे सड़क बनाइए वहाँ तक, इधर सड़क बनाइए वहाँ तक, लेकिन आप, आपको उसकी चिंता नहीं है, आप या तो वोट बैंक बनाने जाइएगा, नहीं तो दूसरे पंचायत में काम करने जाइएगा, नहीं तो पैसे का बंदरबांट आप लोग कीजिएगा, लेकिन काम आप नहीं होगा। ठीक है, बार नाली के लिए बोले हैं हम, ये अपने काम से अगर बाजार में जा रहे हैं तो भी पता लगाते हैं कि वो अपने दुकान पे हैं कि नहीं, हम एक बार बोलते हैं, वो बोले हैं, हमको आश्वासन दिए हैं कि आपके धर्मपुर में आपके इतने प्रयास पर हम नाली जरूर देंगे, हम बोले कि हमारे टोले मोहल्ले में बात विवाद होता है पानी के वजह से, पानी सड़क पे आना अच्छी बात नहीं है, तो कम से कम नाली एक दे दीजिएगा तो 10 आदमी जो भी हैं जिनका पानी सड़क पे आ रहा है कम से कम नाली से पानी निकल जाए, वो भी साफ सुथरा रहने के अधिकारी हैं, ये नहीं कि हम ही साफ सुथरा रहे, नहीं पूरे मोहल्ला पूरा शहर पूरा देश दुनिया साफ सुथरा रहे, हम नहीं कह रहे हैं ये मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो बताइए अब नाली का पानी सड़क पे आए, अब मुखिया जिला पार्षद अवार्ड कुछ नहीं कर पाए, इससे बड़ा उन लोगों का फर्ज दुर्भाग्य क्या है, आप लोग वोट इसीलिए ना दिए हैं कि गांव की समस्या का निदान वो करें, और जीतने के बाद अगर गांव का भ्रमण एक बार भी नहीं कर रहे कम से कम महीना में एक बार दो बार तो व्यर्थ है, महीना में एक बार दो बार क्यों, जब एक लाइन में बोल दिया प्रणाम सलाम नमस्ते।